Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing compounds of group 15 elements, that is nitrogen family. And in my today's video, I will cover the two important compounds of nitrogen. One is ammonia and second is nitric acid. So let's start our video. First is ammonia. Ammonia, as the name indicates, इट्स फार्मूलाइज NH3 लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. स्ट्रक्चर ऑफ NH3 आपने पढ़ा है हाइड्राइड्स के टॉपिक में भी कि नाइट्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है एंड 1 लोन पेयर है. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज sp3. तो शेप होनी कैसी चाहिए? टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर द शेप इज पिरामिडल एंड द बॉन्ड एंगल इज 107°48' या ये कहेंगे 107.8°. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. अब अमोनिया की प्रिपरेशन, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मेथड्स. फर्स्ट इज बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट. अब अमोनियम क्या है जिसमें NH4 पॉजिटिव आयन हो, दैट आर कॉल्ड अमोनियम सॉल्ट. सो पहला है बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट. अमोनियम सॉल्ट में हमने सबसे पहले लिया NH4 ट्वाइस SO4, दिस इज अमोनियम सल्फेट. जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो हम जानते हैं एक NH4 किससे बना है, NH3 प्लस H से, यानी कि NH4 ट्वाइस है, यानी कि इसके अंदर 2 NH3 इंक्लूड है. तो 2 NH3 तो यहीं से बाहर निकल के, ठीक है, और जो 2 H पेंडिंग बचे वो इस SO4 पार्ट के साथ मिल जाएंगे, दे विल फॉर्म H2SO4. नेक्स्ट है अमोनियम फॉस्फेट, उसका फॉर्मूला है NH4 थ्राइस PO4. अब सेम इसमें भी होगा, हीट किया तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 निकल जाएंगे. बैलेंस क्या है, 3 H बच जाएंगे, वो इस PO4 साथ मिलेंगे, वो H3PO4 भी बना सकते हैं, नहीं तो HPO3 प्लस वाटर ये बना सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, बाय हीटिंग अमोनियम साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. अब हमने अमोनियम साल्ट लिया, अमोनियम क्लोराइड ले लें चाहे अमोनियम नाइट्रेट लें, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया KOH. तो यहां होगा क्या, NH4 में से उसी तरह NH3 निकलेगा दोनों जहां से. अब जो बैच LH बचा है, H वो इस OH पार्ट से मिल जाएगा, वो बना देगा वाटर. आप देख रहे हैं दोनों जहां बना. अब जो K है, पहले वाले केस में K और Cl मिलके क्या बनाएंगे, KCl, और दूसरे वाले केस में K और NO3 मिलके क्या बनाएंगे, KNO3. सो बाय हीटिंग अमोनियम साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो इस तरह से अमोनिया बनेगा. थर्ड मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड. आपने पढ़ा भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 में नाइट्राइड्स क्या हैं, इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज -3. अब हमने एल्यूमिनियम नाइट्राइड LaNAln ले लिया, मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लिया Mg3N2, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिस समय ये वाटर साथ रिएक्शन करेंगे हाइड्रोलिसिस होगी. तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इन केसेस में क्या बनना है कि हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन होनी है और एक अमोनिया में नाइट्रोजन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3. तो यानी कि 1N है तो यहां से वो 3 हाइड्रोजन एक्सपेक्ट करेगा, तो यहां हमें 3 वाटर मॉलिक्यूल लेना है. और आप जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, एक H और एक OH है, तो इसमें से 3 हाइड्रोजन इस N के पास चले जाएंगे, ये तो बन जाएगा NH3. बैलेंस क्या बचेगा, 3 OH, तो 3 OH इस एल्युमिनियम पार्ट पास जाएंगे, देन दे विल फॉर्म AlOH3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. अब सेकेंड रिएक्शन देखें, Mg3N2 प्लस वाटर. अब यहां टोटल नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और अमोनिया में 1 नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड हैं, तो 2 नाइट्रोजन को टोटल 6 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हैं, तो यहां हम 6 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, तो 6 हाइड्रोजन 2N के पास जाएंगे, 2NH3. अब बाकी जो 6 OH हैं वो कहां जाएंगे, 3Mg पार्ट के पास, एंड दे विल फॉर्म 3MgOH2. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड्स, इनसे अमोनिया के फॉर्मेशन है. कई बार कंप्लीट द रिएक्शंस आ जाता है, उसमें ये पूछा जाता है आपसे. नेक्स्ट बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम साइनामाइड. आप ये रिएक्शन नाइट्रोजन के अंदर पढ़ चुके हैं डाइनाइट्रोजन के टॉपिक में कि कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 है, वाटर साथ रिएक्शन करेगा, जिसे हम CaCN2 को नाइट्रोलियम भी बोलते हैं, वाटर साथ रिएक्शन करेगा, इट विल फॉर्म CaCO3 प्लस 2NH3. नेक्स्ट है बाय द रिएक्शन ऑफ कास्टेड सोडा ऑन यूरिया. यूरिया के ऊपर कास्टेड सोडा की रिएक्शन. कास्टेड सोडा जो है दैट इज
NaOH, और यू गया फार्मूला है NH2CONH2। हम यहां टू मॉलिक्यूल्स लेंगे। अब हम जानते हैं NH3 में NH2 प्लस H, यानी कि दो NH2 पार्ट हैं, इन्हें कहीं से दो H मिल जाएं तो ये क्या बना देंगे, 2NH3। तो ये दो H यहां से मिलेंगे। अब बैलेंस देखें, हमारे पास 2NaOH में क्या बच गया है, Na टोटल 2 बच गए हैं, Na के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 और ये CO, ये आपस में मिलेंगे एंड दे विल फॉर्म Na2CO3। सो ये क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। तो याद रखिएगा NH2CONH2, दिस इज द फार्मूला ऑफ यूरिया। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंडस्ट्रियल ट्रिपेशन ऑफ अमोनिया गैस। इसके बारे में आप प्लस वन में भी पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में। अमोनिया इज प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्री बाय ए प्रोसेस नोन एज द हेबर्स प्रोसेस। अब हेबर्स प्रोसेस में हमारे पास रिएक्शन क्या होती है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस दैट गिव्स 2NH3 गैसेस। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और डेल्टा एच आर इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन कितना है, -92.3 किलोसोल। वहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्लस वन में, यहां वही सेम क्वेश्चन है, वट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस बाय हेबर्स प्रोसेस। कि अमोनिया गैस बनानी है हेबर्स प्रोसेस से बनानी है, यानी कि इस रिएक्शन से बनानी है, कौन कौन से कंडीशन फेवरेबल होंगी। तो आप यहां देख रहे हैं, दिस इज द साइन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम साइन जब होता है तो वहां एक स्पेशल प्रिंसिपल चलता है, दैट इज कॉल्ड ली चैटलियर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है ली चैटलियर प्रिंसिपल, और उस ली चैटलियर प्रिंसिपल में आपने टोटल 5 फैक्टर्स पढ़े हैं, 1 इज कॉन्सेंट्रेशन, 2 टेम्परेचर, 3 प्रेशर, 4 कैटालिस्ट, और 5th हमारे पास क्या होता है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो इनमें से कौन सी कंडीशंस लगाने पर अमोनिया गैस की फॉर्मेशन फेवर होगी बाय हेबर प्रोसेस। सो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस बाय हेबर प्रोसेस। कि फेवरेबल का मतलब क्या है, हमें अमोनिया गैस का अमाउंट ज़्यादा चाहिए, यानी कि अमोनिया गैस की प्रोडक्ट यील्ड जो है वो ज़्यादा आनी चाहिए, उसके लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन लगानी पड़ेंगी। यदि इस रिएक्शन में देखें तो हमें ये देखना है कि इक्विलिब्रियम में अमोनिया गैस कौन सी तरफ है, राइट साइड है, यानी कि हमें फॉरवर्ड साइड में इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है, तो हमें कौन कौन से कंडीशन लगाने पड़ेंगे। फर्स्ट है हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2। हम जानते हैं दैट इन द केस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल वी हैव स्टडीड अबाउट द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और N2 गैस और H2 गैस ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, तो यदि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तब यह फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, अमोनिया ज्यादा बनेगा। सो वी नो इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2 रिएक्टेंट्स देन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और ये अमोनिया की फॉर्मेशन को फेवर करेगा। सेकेंड फैक्टर टेम्परेचर। वो हमने पढ़ा था प्लस वन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। अब आप यहां देखेंगे रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, और आपने पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। सो इन दिस केस इट इज ऑब्जर्व दैट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होंगी, लो टेम्परेचर पर फेवर होंगी। सो ए टेम्परेचर ऑफ 650 to 800 केल्विन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। टेम्परेचर रेंज कितना चाहिए, 650 to 800 एंड 673 केल्विन इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, कि इस टेम्परेचर पर अमोनिया गैस की यील्ड ज्यादा आएगी। थर्ड है हमारे पास हाई प्रेशर। अब जब हम रिएक्शन को देखें, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इट इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैसेस। सो आपने वहां पढ़ा प्रेशर के फैक्टर में, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स एंड इफ यू डिक्रीज द प्रेशर देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। अब चेक करें कि रिएक्टेंट साइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N2 के 1 मोल, H2 के 3, यानी कि रिएक्टेंट साइड टोटल मोल है 4, प्रोडक्ट साइड टोटल मोल क्या है, 2। तो यदि हम 4 से 2 की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज, और 2 से 4 जाना है तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज।
अब हमारे क्वेश्चन में कि हमें अमोनिया गैस की फॉर्मेशन को फेवर करना है, यानी कि हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, इट मीन्स हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना है, तो हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, द नंबर ऑफ मोल्स आर डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज आर डिक्रीजिंग। सो ऐसे केस में हमें क्या चाहिए, हाई प्रेशर, यानी कि इंक्रीज ऑफ प्रेशर। सो अकॉर्डिंग टू ली चैटर प्रिंसिपल, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। सो इन दिस केस हाई प्रेशर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, एंड रेंज ऑफ प्रेशर कितना लेना है, 200 टू 900 एटमोसफियर। ये तीन मेन फैक्टर हैं। और क्या है इसके अंदर, आयरन विल एक्ट एज कैटलिस्ट Fe एंड मोलिब्डेनियम विल एक्ट एज प्रमोटर। अब प्रमोटर क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच वेन प्रेजेंट अलोंग विद कैटलिस्ट दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं एंड दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। सो दीज आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस बाय हेबर प्रोसेस। नेक्स्ट इज ड्राइंग ऑफ अमोनिया गैस। अब अमोनिया गैस को ड्राई करना है, ड्राई करने का मतलब क्या है कि यदि अमोनिया गैस के साथ कोई भी जरा सा भी मॉइस्चर का कंटेंट है उसे हम कैसे रिमूव करेंगे, या किसी भी गैस को ड्राई करने का मतलब क्या है कि उसके साथ जो मॉइस्चर है हमें उसे दूर करना है, बट कंडीशन ध्यान रखनी है कि वो सिर्फ मॉइस्चर को रिमूव करे और गैस को नुकसान ना पहुंचाए। क्वेश्चन है, वाई NH3 गैस कैन नॉट बी ड्राइड बाई कंसनट्री H2SO4 और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और P2O5। ये जो तीनों नाम दिए हैं, कंसनी H2SO4, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और P2O5 फास्फोरस पेंटोक्साइड, ये सभी क्या हैं, दीज आर द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका मतलब ये मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। तो क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस को इनके द्वारा ड्राई क्यों नहीं करते, एंड इट इज ड्राइड बाई यूजिंग क्विकलाइम। क्विकलाइम यानी कि CaO, इसके द्वारा ही ड्राई क्यों करते हैं। सो पहला केस है इन केस ऑफ H2SO4। मैंने अभी आपको बताया कि ड्राइंग एजेंट्स का रोल क्या है, सिर्फ मॉइस्चर को रिमूव करना। यदि बाई चांस उसने गैस के साथ रिएक्शन कर ली या गैस को नुकसान पहुंचा दिया तो उसे यूज नहीं करेंगे। सो फर्स्टली इन केस ऑफ कंसनी H2SO4, जब हम कंसनी H2SO4 रिएक्शन यूज करते हैं देन इट विल रिमूव द मॉइस्चर, मॉइस्चर तो रिमूव करेगा एज वेल एज इट विल रिएक्ट विद द अमोनिया, ये अमोनिया से भी रिएक्शन कर जाएगा एंड इट विल फॉर्म अमोनियम सल्फेट NH4SO4। इसलिए H2SO4 को यूज नहीं करेंगे क्योंकि गैस के साथ रिएक्शन नहीं करनी। सेकेंड है इन केस ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, हमने CaCl2 लिया, ये भी H मॉलिक्यूल ऑफ NH3 के साथ रिएक्शन करेगा, इट विल फॉर्म CaCl2.HNH3। इन केस ऑफ P2O5, यदि हमने P2O5 यूज किया, P2O5 क्या है, पहले वाटर से रिएक्शन करके वो H3PO4 बनाएगा और फिर ये H3PO4 है ये अमोनिया से रिएक्शन कर जाएगा, H3PO4 3 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 से रिएक्शन करेगा, इट विल फॉर्म NH4Thrice PO4 अमोनियम फॉस्फेट। तो ना हम H2SO4 को यूज कर पा रहे हैं, ना ही एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को, ना ही P2O5 को। रीजन क्या है, क्योंकि तीनों ही अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन कर जाते हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं है, जो हम नहीं चाहते कि ड्राइंग एजेंट रिएक्शन करे, सिर्फ वो मॉइस्चर को रिमूव करे। अब बताते हैं इन केस ऑफ क्विकलाइम, जब हमने क्विकलाइम यूज किया, क्विकलाइम क्या है, CaO, तो इट विल रिएक्ट विद द मॉइस्चर, पहले मॉइस्चर का रिएक्शन करेगा, इट विल फॉर्म CaOH2, और उसके बाद जो क्विकलाइम है, CaO ले लें या CaOH2, दोनों में से कोई भी अमोनिया साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करता, तो CaO और CaOH2 व्हेनेवर दे विल रिएक्ट विद NH3 देन दे विल शो नो रिएक्शन, इट मींस क्विकलाइम कैन बी यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट, ये अमोनिया को नुकसान नहीं पहुंचाता। सो दिस इज अबाउट ड्राइंग ऑफ अमोनिया गैस। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया गैस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज ए कलरलेस गैस विद ए करैक्टरिस्टिक अमोनिकल स्मेल, स्पेशल स्मेल है, इट ब्रिंग्स टीयर्स इन अवर आईज, लाइटर देन एयर, एयर से हल्के हैं, एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, हम जानते हैं NH3 सॉल्युबल इन वाटर, ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा भी है टॉपिक, बिकॉज इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द वाटर मॉलिक्यूल, इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड बाय कूलिंग अंडर हाई प्रेशर, लिक्विड अमोनिया बॉइल्स एट 239.6 केल्विन एंड फ्रीजेस एट 198.4 केल्विन, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन अदर हाइड्राइड्स, हम जानते हैं अमोनिया का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 200 से ज़्यादा क्यों है, रीजन क्या है, क्योंकि अमोनिया के मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़े हैं, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द NH3 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी, NH3 इज ए स्टेबल कंपाउंड,
स्टेबल मीन्स इसके बीच के बॉन्ड तोड़ने मुश्किल हैं. इट डज नॉट डिसोसिएट अप टू 773 केल्विन. एंड हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, जब हम इसे इलेक्ट्रिक आर्क में से पास करते हैं, इट गेट्स डीकम्पोज. तो उस समय NH3 N2 और H2 में डीकम्पोज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क. अदरवाइज 773 केल्विन तक ये डिस्ट्रॉय ही नहीं होता, यानी कि डिसोसिएट नहीं होता. नेक्स्ट स्टेप बेसिक नेचर, ये आपने पढ़ा भी है अमोनिया के बारे में. वी नो इन केस ऑफ अमोनिया द सेंट्रल नाइट्रोजन एटम इज हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. एंड जब हम NH3 को वाटर में डिजोल्व करते हैं, इट विल फॉर्म NH4OH, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स रेड, इट मस्ट ब्लू, इट मीन इट इज बेसिक इन नेचर. एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड हैज टेंडेंसी टू लिबरेट OH नेगेटिव आयन, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, लोअर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं. एंड दोज कंपाउंड विच गिव्स OH नेगेटिव आयन, दे एक्ट एज बेस. लेकिन यहां इक्विलिब्रियम है, सो NH4OH क्या है, इट विल एक्ट एज द वीक बेस. सो देखिएगा एक्वा सोल्यूशन ऑफ NH3, जब NH3 को वाटर में डिजोल्व किया तो बना क्या NH4OH, दिस इज अ वीक बेस. एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, इट टर्न्स रेड, इट मस्ट ब्लू. अब ये बेस है तो आप जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पड़ी है कि वेन एवर ए बेस रिएक्ट विद एसिड, इट विल फॉर्म साल्ट एंड वाटर, एंड इट विल फॉर्म साल्ट ऑन रिएक्शन विद एसिड. तो देखिएगा NH3 प्लस वाटर NH4OH डिसोसिएट होता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. और जिस समय NH4OH ने किसी एसिड से रिएक्शन किया, एस्टर से फॉर रिएक्शन किया, इट विल फॉर्म साल्ट अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर. नेक्स्ट इज लेविस बेस. वी नो अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स में भी पढ़ा है कि इन केस ऑफ NH3 सेंट्रल नाइट्रोजन एटम इज हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स व्हाई इट विल एक्ट एज लेविस बेस. NH3 एक्ट एज लेविस बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम. अब लोन पेयर है तो इट कैन डोनेट एंड देयरफॉर इट विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स लाइक BF3 के साथ बनाएगा एंड ट्रांजिशन मेटल कैटायंस के साथ बनाएगा विच आर हैविंग वेकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो ट्रांजिशन मेटल कैटायन जिनमें वेकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके साथ जब अमोनिया जुड़ेगा तो अपना नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसको वो देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा. सो या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के साथ जैसे BF3 है, AlCl3 वगैरह है, उनके साथ जुड़ेगा. तो NH3 प्लस BF3, तो नाइट्रोजन ने अपना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया और कैसे जुड़ा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के. ये अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी है कि जब NH3 BF3 के साथ जुड़ता है तो नाइट्रोजन अपना यहाँ का लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज करता है, ये बन गया हमारे पास. और ये जो नीचे दिखाया है CO NH3 6 3 प्लस, सो यहाँ पर NH3 जो है कोबाल्ट प्लस 3 आयन के साथ जुड़ा है NH3 के 6 मॉलिक्यूल. और यहाँ पर कोबाल्ट प्लस 3 क्या है, दिस इज द ट्रांजिशन मेटल कैटायन, उनमें वेकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल थे उनके साथ जुड़ा है. और वहां पर इसने क्या है CO NH3 6 3 प्लस ऐसे कंपाउंड बनाए, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस. हमारे पास इसका एक कंप्लीट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हैवी मेटल साल्ट सॉल्यूशन. द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया NH4OH रिएक्ट विद द हैवी मेटल साल्ट सॉल्यूशन. हैवी मेटल जैसे आयरन के साल्ट है, FeCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, लाइक क्लोराइड्स के साथ करेगा. तो उस केस में क्लोराइड है वो तो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो अमोनियम क्लोराइड में. तो ये डबल डिकम्पोजिशन का केस हो गया, FeCl3 प्लस 3NH4OH, यहाँ से Cl इधर और यहाँ से OH उधर, तो इट विल फॉर्म FeOH3 प्लस 3NH4Cl. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद नेस्लर रिएजेंट. नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला है K2HgI4. अमोनिया गैस ऑन रिएक्शन विद K2HgI4 नेस्लर रिएजेंट का रिएक्शन करेगा. ये हमारे पास साल्ट एनालिसिस में यूज होता है, एक पर्टिकुलर रिएजेंट है एंड इट विल फॉर्म ब्राउन प्रेसिपिटेट. तो ये अमोनिया की टेस्टिंग के लिए भी यूज होता है. नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब जिस समय अमोनिया CuO के साथ रिएक्शन करता है क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, इट विल फॉर्म N2 वाटर एंड CU. और एक है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन विद एयर. कैटालिटिक ऑक्सीडेशन नेम से क्लियर हो रहा है कि ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कि अमोनिया गैस O2 साथ रिएक्शन करेगा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में
1100 केल्विन पे प्लेटिनम के प्रेजेंस में देन इट विल फॉर्म एनओ प्लस वाटर, और ये रिएक्शन हमारे पास नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में भी यूज होगी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि 4NH3 प्लस 5O2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट एट 1100 केल्विन इट विल फॉर्म 4NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा साथ में वाटर बनाएगा. दिस इज ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हेलोजन्स. हेलोजन्स के साथ रिएक्शन, हेलोजन में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है. अब यहां क्वेश्चन आता है कि वेन एवर अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन, वेन एवर अमोनिया रिएक्ट विद ब्रोमीन, अमोनिया रिएक्ट विद आयोडीन, देन इट विल फॉर्म विच टाइप ऑफ कंपाउंड, कैसे कंपाउंड बनाएगा एंड वट आर द डिफरेंट कंडीशन. सो पहले केस में हम 8NH3 पहले अमोनिया के रिएक्शन Cl2 साथ कर रहे हैं. तो अब देखिएगा मैंने अमोनिया के लिए 8NH3 प्लस 3Cl2 जिससे मैं अमोनिया एक्सेस में है, देन इट विल फॉर्म N2 प्लस 6NH4Cl, उस समय N2 बनाएगा और साथ में अमोनियम क्लोराइड. अब दूसरे केस में जिस समय क्लोरीन एक्सेस में है, अमोनिया प्लस Cl2, अब क्या 3 मॉलिक्यूल Cl2 क्लोरीन एक्सेस में है, देन इट विल फॉर्म NCl3 प्लस 3HCl, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड. सो यहां दो कंडीशन है, रिएक्शन हम अमोनिया और क्लोरीन के बीच में कर रहे हैं, लेकिन जब अमोनिया एक्सेस में है तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं N2 और NH4Cl, और जब क्लोरीन एक्सेस में है तो उसमें NCl3 और HCl बन रहा है. ये ध्यान रखना है, ये कंडीशंस हैं और ये सेम रिएक्शंस हमारे पास ग्रुप 17 एलिमेंट्स के जब हम कंपाउंड पढ़ेंगे वहां पर भी आएंगे. नेक्स्ट है विद Br2. अब अमोनिया की रिएक्शन Br2 के साथ बिल्कुल सिमिलर है जैसे Cl2 साथ है, सिर्फ Cl के बजाय Br आया है. पहले अमोनिया एक्सेस में 8NH3 प्लस 3Br2 N2 प्लस 6NH4Br, दूसरे केस में Br2 एक्सेस में NH3 प्लस 3Br2 दैट गिव NBr3 प्लस 3HBr. नेक्स्ट विद I2 आयोडीन के साथ रिएक्शन. जब अमोनिया आयोडीन से रिएक्शन करता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 रिएक्ट विद 3I2, इनिशियली एक कंपाउंड बनाएंगे एडिशन कंपाउंड NH3.Ni3. क्या होगा 2NH3 प्लस 3I2, ये शुरुआत में मिलेंगे, दे विल फॉर्म एडिशनल कंपाउंड NH3.Ni3 प्लस 3HI. अब ये जो एडिशनल कंपाउंड है NH3.Ni3 ये फर्दर डिसोसिएट होगा, याद रखना है, इट विल फॉर्म 3 प्रोडक्ट्स N2 I2 एंड अमोनियम आयोडाइड, ये 3 प्रोडक्ट्स बनाएगा. सो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद हैलोजन्स. क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते समय क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ब्रोमीन साथ क्या करेगा, आयोडीन के साथ क्या करेगा. क्लोरीन ब्रोमीन के केस में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, वेन एवर अमोनिया इज इन एक्सेस एंड वेन एवर हैलोजन इन एक्सेस, यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन एक्सेस में है, और आयोडीन के केस में पहले एक एडिशनल कंपाउंड बनेगा और फिर वो एडिशनल कंपाउंड फर्दर डिसोसिएट होगा. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये ऐसे भी आ जाती है कंप्लीट द रिएक्शन. क्या आपको लिखते हैं NH3 प्लस Cl2 ऐसे लिखती है, आपको बताते हैं, आपको ऐसे लिखती है, मान लो NH3 प्लस Cl2 और आपको कहते हैं Cl2 के नीचे लिखती है HCs और कहते हैं कंप्लीट द रिएक्शन, प्रोडक्ट नहीं बताए, तो आपको खुद से ये रिएक्शन लिखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. नेक्स्ट है रिएक्शन विद CO2. NH3 गैस ऑन रिएक्शन विद CO2, जिस समय NH3 गैस CO2 के साथ रिएक्शन करेगी तो उस समय में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 लिया CO2 के साथ. अब हम जानते हैं NH3 में क्या है, NH2 प्लस H, इसे ये भी एज्यूम कर सकते हैं, तो NH3 में NH2 प्लस H है, तो यहां पर क्या होगा 2NH3, यानी कि 2NH2 है और 2 ही H है, 2NH2 पार्ट इस CO2 में से CO को बाहर निकालेंगे, ये बनाएंगे NH2CONH2, और एक ऑक्सीजन पेंडिंग बच गया है वो इन 2H के साथ मिलेगा, इट विल फॉर्म वाटर. सो अमोनिया रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल फॉर्म यूरिया, साथ में क्या बनाएगा वाटर. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ अमोनिया. अब अमोनिया के यूजेस, अमोनिया इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट अपने 10th क्लास से पढ़ा है, नाइट्रिक एसिड अभी हमें बताना है. इट इज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया बनाने में यूज हो रहा है, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में यूज हो रहा है, अमोनियम सल्फेट बनाने में यूज हो रहा है, कैल्शियम
अमोनियम नाइट्रेट CN बनाने में यूज हो रहा है। यूरिया लिक्विड अमोनिया आल्सो एक्ट एज सॉल्वेंट फॉर मैनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस एज इट हैज हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सो इसे सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। लिक्विड अमोनिया यूज एज रेफ्रिजरेंट इन द आइस फैक्ट्री एंड कोल्ड स्टोरेज। नेक्स्ट है अमोनिया यूज एज ए क्लिनिंग एजेंट पर्टिकुलरली फॉर द विंडो पेन्स, खिड़कियों के शीशे साफ करने के लिए क्लिनजिंग एजेंट के रूप में भी इसे अमोनिया को यूज करते हैं हम। इस 6 पॉइंट को आप छोड़ देंगे, ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। 7 पॉइंट, इट इज ए वेरी यूजफुल लेबोरेटरी रिएजेंट, तो लेबोरेटरी में एक रिएजेंट के रूप में बहुत ज्यादा यूज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अमोनिया। नेक्स्ट कंपाउंड इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज HNO3। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ए ओस्टवाल्ड प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। अब 3 स्टेप में कैसे कंप्लीट होगा, क्या क्या स्टेप्स है, ध्यान से देखिएगा। ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट द रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। सो फर्स्ट स्टेप है कैटालिटिक एटमोस्फेरिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। पहले स्टेप में क्या होगा, अमोनिया की ऑक्सीडेशन होगी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में प्लेटिनम 1100 केल्विन पे, देन इट विल इनिशियली फॉर्म NO प्लस वाटर। ये रिएक्शन अभी आपने अमोनिया के टॉपिक में पढ़ी है, 4NH3 प्लस 5O2 दैट गिव्स 4NO प्लस 6H2O, यानी कि शुरुआत में नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। इन द सेकेंड स्टेप द नाइट्रिक ऑक्साइड NO कंबाइन विद O2, ये O2 सा रिएक्शन करेगा टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस बनाएगा। अब थर्ड स्टेप में NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर। अब इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इज रीजनरेटेड। कैसे, NO2 है, वाटर सा रिएक्शन करेगी तो यहां क्या बन जाएगा, हमारे पास HNO3 बन जाएगा और साथ में हमारे पास NO रिलीज होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। जरा इसे बैलेंस देख लेते हैं, तो ये रिएक्शन होगी हमारे पास, थोड़ा क्लियर कर देता हूं, ये रिएक्शन होगी 3NO2 प्लस वाटर, इट विल गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 प्लस NO, नाइट्रिक ऑक्साइड रीजनरेट हो गया और इसे हम दोबारा से सेकेंड स्टेप में यूज कर सकते हैं। NO so formed is recycled, जो ये बना है, एंड एक्वा सोल्यूशन ऑफ HNO3 जो यहाँ पे बना है, इट कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड। अब जब एक्वा सोल्यूशन ऑफ HNO3 यानी कि वाटर कॉन्टेंट है, वाटर कॉन्टेंट कम करते जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड करते जाएंगे हम उसे, तो जब भी हमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है किसी भी सब्सटेंस की, इस मतलब वाटर कॉन्टेंट कम कर दीजिए। एक्वा सोल्यूशन ऑफ HNO3 कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन, पहले डिस्टिलेशन करेंगे अप टू 68% बाय मास, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 68% बाय मास हो जाएगी, एंड देन दिस सोल्यूशन कैन बी फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड बाय यूजिंग कॉन्सर्न HNO4, फिर उसे कॉन्सर्न HNO4 में से पास करेंगे तब इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 98% बाय मास। सो दिस इज अबाउट ओस्टवाल्ड प्रोसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, HNO3 की प्रॉपर्टीज, फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए कलरलेस लिक्विड having boiling point 355.6 Kelvin and freezing point 231.1 Kelvin, 231.4 Kelvin, and in gaseous state HNO3 exists as planar molecule, planar mean hybridization क्या होगी, sp2। in aqueous solution phase जब हम HNO3 को water में dissolve करते हैं, then this is called nitric acid and nitric acid is a very strong acid, आप ये जानते हैं HNO3 है, जब हम इसे water में add करते हैं, dissolve करते हैं, then HNO3 has tendency to lose H positive ion, it will form nitrate ion और साथ में क्या बनेगा, hydronium ion H3O positive। so due to the preparation of, due to the liberation of H positive ion देने की वजह से it acts as the strong acid। in aqueous solution phase HNO3 behaves as strong acid, reaction आपको दिखाई है। concentrated nitric acid is a strong oxidizing agent, very important topic, it attacks most of the metal except सम नोबल मेटल, कुछ नोबल मेटल है सच एज हमारे पास हैं AU, यहाँ AS लिखा गलती से,
एयू गोल्ड के साथ रिएक्शन नहीं करता, प्लेटिनम के साथ नहीं करता, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 एंड नेचर ऑफ मटेरियल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि नाइट्रिक एसिड जो है दिस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मेनली मेटल साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जब मेटल साथ रिएक्शन कर रहा है देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन के जो प्रोडक्ट हैं इट डिपेंड अपॉन टू थिंग्स। फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कि हमने HNO3 डिल्यूट लिया है या कॉन्सेंट्रेटेड, और दूसरे केस में हमारे पास नेचर ऑफ मटेरियल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन कि हम ऑक्सीडेशन किसकी कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा एग्जांपल कि कैसे प्रोडक्ट डिफरेंट आएंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एज वेल एज नेचर ऑफ मटेरियल एक्सप्लेन बाय एग्जांपल एज क्वेश्चन भी आता है। तो क्या होगा यहाँ पर, सपोज कीजिए हम यहाँ देखिए पहले केस में हमने कॉपर लिया है 3Cu प्लस 8HNO3 डिल्यूट। जब हमने डिल्यूट HNO3 लिया, कॉपर की रिएक्शन HNO3, ये 3 और 8 तो बाद में बैलेंसिंग टाइप आए, यदि हम वैसे नॉर्मली एज्यूम करें तो कॉपर प्लस डिल्यूट HNO3, तो देर आर थ्री प्रोडक्ट्स, वन इज कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस, सेकेंड वाटर एंड थर्ड इज NO नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जब हमने डिल्यूट HNO3 लिया है तो NO इज फॉर्म, सेकेंड केस में कॉपर प्लस HNO3 अब की बार कॉन्सेंट्रेटेड किया, तो आप देखिए मेटेरियल सेम है दोनों, जहां कॉपर है फर्स्ट रिएक्शन में सेकेंड में मेटेरियल सेम है, लेकिन हमने एसिड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज की है फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में, पहले में HNO3 डिल्यूट दूसरे में कॉन्सेंट्रेटेड। तो अब देखिएगा प्रोडक्ट कैसे चेंज हुए, यहां भी क्या बनाया कॉपर नाइट्रेट वाटर, लेकिन पहले वाले रिएक्शन में NO नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन है और सेकेंड वाले में क्या है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो इन दिस केस द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब हम फर्स्ट एंड थर्ड का कंपैरिजन करते हैं, जरा देखिएगा सेकेंड और ऐसे ही थर्ड और फोर्थ में भी चेक करेंगे, तो जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड डिल्यूट और दूसरे में जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, तो पहले वाले थर्ड वाले रिएक्शन में N2O की फॉर्मेशन है जिंक नाइट्रेट वाटर के साथ, और दूसरे वाले केस में NO2 की प्रिपरेशन है। तो ये भी हमारे पास डिल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड के एग्जाम्पल में बता सकते हैं। अब हम फर्स्ट एंड थर्ड का कंपैरिजन करते हैं, जरा देखिएगा फर्स्ट में हमारे पास कॉपर प्लस डिल्यूट HNO3 है और थर्ड वाली में क्या है जिंक प्लस डिल्यूट HNO3, यानी कि एसिड सेम है, अब की बार मटेरियल चेंज है, पहले वाले केस में कॉपर इसमें क्या है जिंक। आप जरा देखिए मटेरियल चेंज होने से क्या होगा, फर्स्ट केस में कॉपर नाइट्रेट वाटर NO और थर्ड केस में जिंक नाइट्रेट वाटर एंड N2O। तो यहां आप देख रहे हैं वेन एवर द मेटेरियल इज चेंज्ड एंड वी आर हैविंग द सेम कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सेम टाइप ऑफ एसिड देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन आर ऑल्सो डिफरेंट। जिंक वाले केस में N2O बन रहा है, सॉरी कॉपर वाले केस में सॉरी जिंक वाले में N2 और कॉपर वाले केस में NO। सो ये आपके पास यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड का आता है कि हाउ द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, तो चाहे आप फर्स्ट एंड सेकंड इकट्ठा पेयर बना के लिखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ का पेयर लिखते हैं, और जब आपके पास आता है नेचर ऑफ मटेरियल तो उसमें फर्स्ट एंड थर्ड रिएक्शन को ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। कंसर्नली HNO3 ऑक्सीडाइजेस नॉन मेटल, यहां नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है, यहां मेटल लिखा हुआ है, नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करता है एंड देयर कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल I2 इज ऑक्सीडाइज टू आर्डिक एसिड, I2 किस में कन्वर्ट होगी आर्डिक एसिड में, कार्बन टू CO2, सल्फर टू H2SO4 एंड फॉस्फोरस P4 टू H3PO4। अब इसे बड़ा सिंपल केस है, हमें याद रखना है कौन सी चीज किस में ऑक्सीडाइज हुई। तो आपके पास याद रखिए आयोडीन किस में ऑक्सीडाइज हुई है, आर्डिक एसिड HIO3। तो पहले आप ये लिख देंगे I2, इधर लिख देंगे HIO3। किसने ऑक्सीडाइज किया है HNO3 ने, इधर लिख दिया HNO3 और उधर क्या हो जाएगा राइट साइड में वाटर प्लस NO2। बाकी आप बैलेंस कर सकते हैं, सेम मेथड चलना है। ऐसे ही कार्बन किस में कन्वर्ट हुआ है CO2, तो पहले लेफ्ट साइड कार्बन राइट साइड CO2। किसने ऑक्सीडाइज किया HNO3, तो HNO3 लेफ्ट साइड उधर वाटर NO2। सेम बेसिक अदर रिएक्शन में है, बैलेंसिंग आप बाद में कर सकते हैं। सो दीज आर द रिएक्शंस। सेम सल्फर का केस है, सेम फास्फोरस का,
सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कौन सा कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है बाय ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड. नेक्स्ट इज ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. ये साल्ट एनालिसिस में आप नॉर्मली पढ़ते हैं, प्लस वन प्लस टू सभी क्लासेस में आता है ये ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन. सपोज करो आपके पास कोई साल्ट दिया जाता है जिसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, NO3 नेगेटिव आयन, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है. सो साल्ट फॉर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट आयन कंटेनिंग कंपाउंड्स. दिस टेस्ट इज कैरिड आउट बाय एडिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन टू द एक्वा सोल्यूशन कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रेट आयन. कि कोई भी ऐसा साल्ट जिसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, हम उसका एक्वा सोल्यूशन बना के किसी टेस्ट ट्यूब में, उसमें हम क्या डालेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन FeSO4 सोल्यूशन डालेंगे. एंड देन कंसर्निंग HTSO4 इज एडिड अलोंग द साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब की दीवारों के साथ ड्रॉपर से वन वन ड्रॉप करके हम कंसर्निंग HTSO4 जब डालेंगे, देन ए ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन. तो टेस्ट ट्यूब में जहां तक सोल्यूशन बना है, तो सोल्यूशन भरा हुआ है, वहां पर सोल्यूशन के बिल्कुल ऊपर एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी, जैसे रबर बैंड होता है वैसे ही रिंग बन जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड ब्राउन रिंग टेस्ट. तो होगा क्या, रिएक्शन क्या है, नाइट्रेट आयन प्लस Fe प्लस टू प्लस एच प्लस टी इनिशियली बनाएंगे NO वाटर एंड Fe प्लस थ्री, फिर ये FeH2 टू प्लस प्लस NO, ये रिएक्शन होगी. तो यहां पर NO जो है यहां जाएगा, H2 में से एक H2 को बाहर निकाल देगा और खुद वहां जाके जुड़ जाएगा. तो क्या है, FeH2 5, 6 की जगह 5 रह गया, यहां देख सकते हैं NO साथ में आ गया स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस. सो दिस इज ए ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स और यही ब्राउन रिंग के रूप में बनता है प्लस वाटर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन. ये टेस्ट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसे. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड के यूजेस, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स लाइक TNT बनाने में, डायनामाइट बनाने में, पिक्रिक एसिड्स बनाने में, नेट से इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स विच फाइंड यूटिलिटी इन परफ्यूम्स डाइज एंड मेडिसिंस, नेट से इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है लाइक अमोनियम नाइट्रेट में या कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह बनाने में यूज होता है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, इन द प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम एज एक्वारीजिया. क्योंकि आप जानते हैं एक्वारीजिया में HCl और HNO3 दोनों का मिक्सचर होता है, तो गोल्ड एंड प्लेटिनम की प्योरिफिकेशन यूज होता है, एंड इन द लेबोरेटरी एज ए यूजफुल रिएजेंट. लेबोरेटरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट के रूप में यूज होता है HNO3. सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, दैट इज अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड. होप यू लर्न ए लॉट फ्रॉम माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन शेयर माई वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कालरा. थैंक्स अ लॉट.